i'm rohini and you're watching utopia so this is the fourth part of the series one word substitution and i'm very sure that will definitely enhance your vocabulary so without wasting time let's start our next word is iconoclast break आइकोनोक्लास मीन्स ब्रेकर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एट मीन्स यू कैन सेज जो कि मूर्तियों को तोड़ने वाला है दूसरों के जो आर्ट और लिटरेचर होता है उसको नष्ट करने वाला उसको आइकोनोक्लास कहा जाता है नेक्स्ट वन इज आइडियो आडियोसिक्रेसी पिक्यूलियर टेम्पर ऑफ एन इंडिविजुअल सो पिक्यूलियर टेम्पर मीन्स कि जो कभी भी गुस्सा हो सकता है अजीब सा जिसका टेम्पर हो जिसका कुछ पता नहीं चलता कुछ क्लियर नहीं होता उसको बोला जाता है आइडियोसंक्रेसी नेक्स्ट वन इज आइडोलेट्री वर्शिपिंग ऑफ आइडोल जो कि क्या करता है मूर्तियों की पूजा करता है दट इज़ आइडियोलेट्री नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंट पर्सन हु हैव नो नॉलेज ऑफ एनी हैपनिंग एक ऐसा पर्सन जिसको क्या हो रहा है आस पास क्या हो रहा है उन चीज़ों से वो बिल्कुल भी उन उसको नॉलेज नहीं होती है उसको इग्नोरेंट कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ इलीगल अनलॉफुल जो कि क्या होता है कानून की अकॉर्डिंग uh, क्या होता है वो uh, सही नहीं होता रॉन्ग होता है उसको इलीगल कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ इलीजिबल सो इलीजिबल विच कैन नॉट बी रीड जो कि पढ़ा नहीं जा सके दैट इज इलिजिबल नेक्स्ट वन इज इलीटरेट वन हु कैन नाइडर रीड नॉट नॉट राइट जो कि ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है एक तरह से इसको अनपढ़ कहा जाता है दैट इज इलिटरेट नेक्स्ट वन इज एलिजम द प्रैक्टिस ऑफ रेफरिंग टू वन सेल्फ इन द थर्ड पर्सन सो Yes, कुछ ऐसे एक ऐसा पर्सन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी क्या हैबिट होती है कि वो अपने आप को ही क्या करते हैं एज अ थर्ड पर्सन जो है खुद को रेफर करते हैं उनको वो क्या कहा जाता है एलिज्म कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ इमिटेबल विच कैन नॉट बी इमिटेटेड जिसकी नकल ना की जा सके दैट इज इमिटेबल नेक्स्ट वन इज़ इमिग्रेंट इमीग्रेट क्या होता है अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री कम्स टू अर कंट्री टू सेटल तो जो दूसरी जो कंट्री से हमारी कंट्री में सेटल होने के लिए आए वो इमीग्रेंट होगा जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए वो एमीग्रेंट होगा ओके नेक्स्ट वन इज इमोवेबल विच कैन विच कांट बी मूव फिक्सड तो इसको फिक्स्ड भी कहा जा सकता है जो मूव नहीं कर सकता इम वन हु एज्यूम नेम आर टाइटल ऑफ सम वन एज फॉर डिसीविंग जो दूसरे का नेम जो है अडॉप्ट कर लेता है किसी को धोखा देने के लिए दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर नेक्स्ट वन इज इमप्रेगनेबल सो वट इज इम्प्रेग्नेबल फोर्ट विच कैन नॉट बी एंटर्ड एक ऐसा किला जिसको एंटर नहीं किया जा सकता जिसमें नेक्स्ट इनकोबल दैट कैनोट कैनॉट बी करेक्टेड ऐसी कोई चीज़ जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता जो कि एक बार खराब हो गई तो हो गई नेक्स्ट वन इज इनग्रेसिव इनग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन एंड एशन ऑफ ब्रीथ तो क्या है ये बताई गई है स्पीच साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है जिस जो कि क्या है जैसे कि हम सांस लेते इसमें इनहलेशन करते इसमें जब कुछ बोलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है इनग्रेसिव बोला जाता है नेक्स्ट वन इज इनक्रेडिबल विच कैन विच कांट वी बिलीव जिसके ऊपर विश्वास ही ना किया जा सके दैट इज़ इनक्रेडिबल इनएविटेबल दैट के नॉट बी अवॉइडेड एक ऐसी चीज़ जिसको कभी भी हम अवॉइड नहीं कर सकते ठीक है उसको इनएविटेबल कहा जा सकता है नेक्स्ट वन इज़ इन्फैलीएबल वन हु के नॉट मेक मिस्टेक जो कि कभी गलती नहीं कर सकता दैट इज़ इनफेलीएबल नेक्स्ट वन इज इन्फेंटिसाइड इन्फेंटिसाइड होता है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट किसी बच्चे को मार डालना किसी छोटे बच्चे का मर्डर कर देना नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन अ डिजीज स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट तो ऐसा डिज़ीज़ जो कि क्या होता है एक से दूसरे को फैलती है ठीक है या एक जरा सा होता है तो पूरी बॉडी में वो फैल जाता है तो उसको इन्फेक्शन कहा जाता है एक ऐसी बीमारी को नेक्स्ट वन इज़ इनमिटेबल सो इनइमिटेबल क्या होता है नॉट बी इमिटेटेड जिसको क्या नहीं कहा जा किया जा सके इमिटेट नहीं किया जा सके नकल ना की जा सके नेक्स्ट वन इज़ इंसोमेनिया लॉस ऑफ स्लीप नींद की कमी ठीक है नींद की कमी को क्या कहा जाएगा इंसोमेनिया नेक्स्ट वन इज इंटरपोलेट सो व्हाट इज़ इंटरपोलेट इंसर्टिंग न्यू मैटर इन बुक जैसे किसी बुक में कुछ नई बात लिख देना कुछ नई चीज़ जो ऑलरेडी बुक है उसमें कुछ नई चीज़ ऐड कर देना दैट इज़ इंटरपोलेट नेक्स्ट वन इज़ इंटरवे इंटरवीनस सो वट इज़ इंटरवीनस आई थिंक पोस्ट इन साइड वेन साइड वेन तो क्या है जो वेन्स यानी कि जो वेन्स हमारी होती है उन उनमें कुछ भी पूछ कर देना ठीक है उनके अंदर जो है धमनियों के अंदर यानी कि क्या होता है जैसे इंजेक्शन से हम क्या कर देते हैं किसी चीज़ को इंजेक्शन वगैरह लगा के दवाई वगैरह हम जो है क्या कर देते हैं इंटोवेंट्स कर देते हैं तो उसी को कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ इनविजिबल डैट कैन डेट ट बी सीन जो कि दिखाई नहीं देता इन वर्लरेबल इन वर्लरेड जो कि क्या है जिसको क्या नहीं किया जा सके नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके नेक्स्ट वन इज इट दैट कांट भी रिपेयर जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है इोकेबल सो वट इज इबल अ डिसीजन दैट कांट बी रिवोक्ट यानी कि ऐसा डिसीजन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता दैट इज इवोकेबल नेक्स्ट वन इज आइसोक्लोन सो वट इज आइसोक्लोन अ सिक्वेंस ऑफ पैलर स्ट्रक्चर हैविंग द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स एंड समाइम द सेम नंबर ऑफ सिलेबल तो एग्जाम्पल वट एल्स कैन डू वन ही इज अ लोन इन अ जेल सेल

नेक्स्ट वन इज इटन रेंट इटन मीन्स वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जो एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है उसको इटन कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ किंडर गार्डन सो वट इज़ किंडर गार्डन अ स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है उसको किंडर गार्डन कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ क्लैप्टोमेनिया एंड एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील यानी कि छोटी छोटी चोरी की चीजें चुराने की जो हैबिट होती है उसको क्लैप्टोमिया कहा जाता है नेक्स्ट वन इज लैंग वन हु नोज मैनी लैंग्वेज सो एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसको लिंग्विस्ट कहा जाता है लिगेचर सो वट इज लिगेचर आ कैरेक्टर डेट कंबाइंड टू आर मोर लेटर सच एज तो एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें दो या मो दो या दो से ज़्यादा लेटर जो है कंबाइन होते हैं ठीक है उसको लिगेचर कहा जाता है लिपोग्राम सो राइट कंपोज ऑफ वर्ड लैकिंग अ सर्टेन स्पेसिफिक लेटर और लेटर आर लेटर्स तो मतलब लिपोग्राम आपको क्या ओमिशन भी बोल सकते हैं किसी चीज़ का ठीक है उसको भी लिपोग्राम कहा जाता है जब कोई चीज़ जो है विजिबल नहीं होती कि कहीं पे दैट इज़ कॉल्ड Lipogram. Next one is litotus. So, what is litotus? Litotus means understand, sorry, understatement by nagging the opposite, a type of meiosis. Uh, example I was not disappointed uh, with the news. तो इसमें क्या है ये बताया गया है कि क्या है कोई ऐसी न्यूज़ अगर किसी को मिल जाए जिससे उसको डिसअपॉइंट होना चाहिए लेकिन फिर भी वो ये शो करेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डिसअपॉइंट नहीं है भाई इस न्यूज से तो उसको क्या बोला जाएगा लिटोच कहा जाएगा नेक्स्ट विन इज लोकेशियस सो वट इज लोकेशियस अ कॉन्टिन्यूस चौकर जो कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता है बहुत ज़्यादा बोलता रहता है उसको लोकेशियस कहा जाता है नेक्स्ट लूनर सो एक्लिप्स ऑफ मून जो चंद्र ग्रहण होता है उसको लूनर बोला जाता है नेक्स्ट वन इज मेडन स्पीच स्पीच मेड फॉर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम स्पीच दी जाए ठीक है अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम स्पीच देता है उसको मेडन स्पीच कहा जाता है नेक्स्ट वन इज़ मेवल्स सो एनिमल विच गिव्स मिल्क ऐसे एनिमल्स जो दूध देते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है मेनू स्क्रिप्ट बुक रिटन बाय हैंड जो हाथों से लिखी हुई बुक होती है हैंड रिटन उसको मेनोस्क्रिप्ट कहा जाता है मैसोकिज्म सो व्हाट इज मैसोकिज्म अ कंडीशन अ स्टेट ऑफ डिराइविंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम ऑन पेन और ह्यूमिलेशन यानी कि जबरदस्ती किसी को क्या है uh, किसी सेक्स रिलेटेड एक्टिविटी में धकेल देना नेक्स्ट वन इज मेटेरियलिस्टिक फॉर वन फॉर होम मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक ऐसा पर्सन जिसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है उसको मैटेरियलिस्टिक कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मैटिन मॉर्निंग प्रेयज प्रेयर इन चर्च चर्च में जो मॉर्निंग प्रेयर प्रेयर की जाती है उसको मैटिन कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मैट्रिस सो वट इज मैट्रीसाइट मर्डर ऑफ ओन मदर अपनी माँ को मार डालना देट इज़ मैट्रीसाइट नेक्स्ट वन इज मेट्रीमोनी स्टेट ऑफ बींग मैरिड शादी जो जिसकी शादी हो जाती है ठीक है उस, उसको बोला जाता है मेट्रीमोनी नेक्स्ट वन इज मैक्सिम एंड एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल जो कि पहले ही एक प्रिंसिपल है जो बन चुका है उसको मैक्सिम कहा जाता है एक ऐसा रूल जो बन चुका है ऑलरेडी अप्लाई अप्लाई हो चुका है जो बन ऑलरेडी बन चुका हुआ है एस्टैब्लिश हो चुका है और वही होता आया है और जिसको बोला जाता है कि यही होता है और यही होता रहेगा उसको मैगजीम कहा जाता कहा जाता है नेक्स्ट वन मीडोस अ लो लेवल ट्रैक ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रास लैंड तो इसको क्या बोला जाता है एक अनकल्टिवेटेड ग्रास लैंड होती है ये चरागाह भी इसको बोला जाता है नेक्स्ट वन इज मेडिटेशन द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल और रिलीजियस मेंटल कंप्लेशन तो मेडिटेशन आपको पता है अपने माइंड को शांत रखने के लिए जो हम क्या करते हैं ध्यान लगाते हैं गॉड की तरफ सो so उसको क्या जाता कहा जाता है मेडिटेशन कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मैलोड्रामा अंशेशनल ड्रामेटिक पेस विद क्रूड अपील टू द इमोशनल यूजली अ हैप्पी एंडिंग एक ऐसा ड्रामा जो क्या होता है बहुत सेंशेशनल होता है ठीक है लेकिन उसकी एंडिंग क्या होती है हैप्पी एंडिंग होती है उसको मेलोड्रामा कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मर्सिनरी सो व्हाट इज़ मर्सिनरी वन हु फाइट फॉर द शेक ऑफ मनी जो मनी के लिए फाइट करता है लड़ाई करता रहता है मनी के लिए लड़ाई करता रहता है उसी को क्या कहा जाता है मर्शीनरी uh, कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मिसो सॉरी मिसोमोफ़ सो वट इज़ मिसोमोफ आ पर्सन हो हो बिल्ड इज पावरफुल कंपैक्ट एंड मस्कुरर एक ऐसा पर्सन जो देखने में क्या लगता है पावरफुल लगता है मस्कुरर पर्सन हो उसको मिसोमोफ कहा जाता है मिटीरियोलॉजी सो वट इज मिटीरियोलॉजी स्टडी ऑफ क्लाइमेट और वेदर वेदर और क्लाइमेट की स्टडी मिटीरियोलॉजी होती है नेक्स्ट वन इज मैटिकुलिस वरी वेरी पर्टिकुलर इवन अबाउट स्मॉल डिटेल जो कि छोटी छोटी डिटेल्स के लिए बहुत पर्टिकुलर होता है उसको मेटिकुलस कहा जाता है बड़ी छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखता है ऐसे पर्सन को मेटिकुलर्स कहा जाता है माइग्रेटरी दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक ऐसा पर्सन जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है उसको माइग्रेटरी कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मिस मिसो गेमिस्ट सो मिसमिस्ट मीन्स वन हुट द कस्टम ऑफ मैरिज जो कि शादी नहीं करवाना चाहता है ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा मिसो गेमिस्ट नेक्स्ट वन इज मिसो गायनिस्ट हेटर ऑफ वोमेन जो लेडीज से ही हेट करता है ऐसा पर्सन होता है मिसो गायनिस्ट नेक्स्ट वन इज मिसोलॉजिस्ट सो वन हुट्स लर्निंग जिसको लर्निंग से ही हेट होती है जो कि कुछ सीखना नहीं चाहता वो होगा मिसोगाट नेक्स्ट वन इज माइक्रो सॉरी मोवोक्रेसी रूल बाय मोव जो कि एक भीड़ जो है रूल बनाती है ठीक है वो किसी के ऊपर अटैक कर दे तो किसी को मार भी सकती है जो कि भीड़ बोलती है इकट्ठे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे नारे लगाएंगे हड़ताल करेंगे रैली करेंगे उसको मोवोक्रेसी कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मैटोनी सो सब्सिट्यूशन ऑफ वर्ड फ्रेज विद अनदर विच इज सजेस्ट like pen is mightier than sword in which both pen and sword substitute for written prose and military तो इसमें क्या है ये दो ऐसे comparison ठीक है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या हो different हो ठीक है लेकिन क्या है आ, वो जो comparison है उस वो डिफरेंट थिंग्स को क्या करते हैं बिलोंग करते हैं जैसे कि क्या है पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड तो यहाँ पे पेन जो है वो किसको को कर डिनोट कर रहा है शो कर रहा है ये बता रहा है हमें डिपिक्ट करता है रिटर्न प्रोज को और जो सवोड है वो डिपिक्ट करती है मिल्ट्री को तो इसी इसी को क्या बोला जाता है मेटरनोमी कहा जाता है नेक्स्ट वन इज मार्फोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ वर्ड इन लैंग्वेज इन्फ्लेशन इन्फ्लेक्शन डेरीवेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड तो एक ऐसी स्टडी जो कि क्या वर्ड्स की स्टडी होती है ये ठीक है वर्ड्स की स्टडी कैसे वर्ड्स बनते हैं ठीक है उसी को क्या कहा जाता है माफोलॉजी कहा जाता है एंड नेक्स्ट वन इज मोनोगेमी मैरिंग वन एट टाइम यानी कि एक टाइम में एक ही शा, के साथ शादी करना उसको मोनोगेमी में कहा जाता है एंड नेक्स्ट वन इज मार्फोलॉजी अगेन सो स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्ट्रक्चर जो एनिमल और प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करने को भी मार्फोलॉजी कहा जाता है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स प्रॉपर्ली थैंक यू अ नाइस डे